स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। और मैं कुंज बिहारी पांडे जो कि छाता तहसील पे आए हैं। छाता तहसील में जो कि बस स्टैंड पे जो कि सब्जी मंडी का प्रकरण चल रहा था, सब्जी जो गरीब आदमी है जो कि सब्जी मंडी में ये बस स्टैंड के जगह में सब्जी मंडी लगाते थे, जो प्रशासन ने उसके अवलोकन कर करके अपने बस स्टैंड को खाली करा लिया है। बाकी की जितनी जनता है सब हड़ताल पे बैठे हुए, इनके लिए कोई स्थायी जगह नहीं है। आज जानते हैं इनसे आज इनकी क्या क्या परेशानी है, इनको कहीं सब्जी मंडी के लिए जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी। मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार जनता को दिखाएं जितने लोग भीड़ में हैं, और ये कुछ यहाँ पर सब्जी खरीदने वाले भी हैं, कुछ सब्जी विक्रेता हैं, ये सब लोग यहाँ पर इस तरह से हड़ताल किए हुए हैं। पता नहीं ये इनकी हड़ताल कब तक चलेगी, आइए जानते हैं ये सब्जी विक्रेताओं से तक ये सब्जी को नहीं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जमील लवेदा साहब। कहाँ के रहने वाले हो? छाता के रहने वाले हैं। क्या कर रहे हो जो आज आपने इस तरह से हड़ताल कर रखी है? दरअसल क्या है कि आज से 6 महीने पहले हमारे पास आए थे बस स्टैंड वाले, उन्होंने कहा इसको खाली करो। हम SDM साहब के पास गए, चेयरमैन साहब के पास गए, तो उन्होंने कहा कि आश्वासन दिया इनको तंग नहीं किया जाए जब तक कोई इनकी स्थायी ज़मीन नहीं हो जाए। तो अब तक रुका रहा मामला, आज इस स्थिति में हम कर सड़क पर पड़े हुए हैं सर। कोई हमारे लिए व्यवस्था नहीं है, हमको कोई स्थायी जगह मिलनी चाहिए, और अगर जगह नहीं मिली तो हम अनित काल तक हम सब्जी की हड़ताल पर रहेंगे। सब्जी वगैरह तो लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, आप सब्जी नहीं बेचेंगे तो आपके लिए कोई ना कोई जगह तो कैसे क्या व्यवस्था रहेगी? आप बेचेंगे ही नहीं जब तक आपको स्थायी जगह नहीं मिलेगी। सर हम भी तो परेशान हैं, हमारे भी तो बच्चे हैं, हम भी तो अपने बच्चों के लिए सोचेंगे। हम भी परेशान हैं, वो परेशान है तो हम भी परेशान हैं। क्यों हमारे बच्चे, हमारे रोजी रोटी है ये, हमारा कारोबार ये बुजुर्गों से रहा है और चलता आ रहा है। दो दो तीन तीन पीढ़ियाँ हुई हैं हमारी इसमें सब्जी में, हम तो खुद मजबूर हैं। हमें कोई स्थायी ऐसी जगह मिल जाए, जैसे चंद्रकुंड पे एक जगह खाली पड़ी हुई है, चेयरमैन साहब ने आश्वासन दिया है और SDM साहब ने भी आश्वासन दिया था हमें। अब हम इनके पास फरियाद लेके आए, हमारी फरियाद सुनी जाए, और आपसे भी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, आपसे भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है प्रशासन से कि हमारा लिए कोई समाधान करा जाए। हम बहुत गरीब हैं, मजदूर हैं, लाचार हैं। इसी श्रृंखला में आए यहाँ पर मौजूद हैं चेयरमैन साहब, जानते हैं उनके बारे में उनकी क्या प्रक्रिया है। चेयरमैन साहब बताएं, ये वो इतनी जनता परेशान है, गरीब लोग सब्जी बेचने वाले हैं, इनके अगर इस तरह से सब्जी नहीं बेचेंगे तो इनके तो घर उजड़ हो जाएंगे, बच्चे वगैरह क्या खाएंगे, इनके लिए क्या व्यवस्था की जाएगी? देखिए साहब, जो यह सब्जी मंडी का मुद्दा है ये ऐसा नहीं अभी उठाए, ये हमारा आपका जन्म भी नहीं हुआ होगा तब से ही ये चलता आ रहा है, ये दर दर ठोकरें खाते आ रहे हैं बेचारे। अभी तक इतने साल हो गए हैं, इनको एक स्थायी जगह नहीं मिल पाई है। अब इसमें जिसकी भी गलती रही है कोई बात नहीं, पर मैं प्रशासन से ये अनुरोध करता हूँ कि इन्होंने मुझे ये जो ज्ञापन दिया है मैं भी इस पर कार्य करूँगा, और प्रशासन भी मेरी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करे इनको एक स्थायी जगह देने के लिए। जिससे देखिए, सब्जी विक्रेता का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है हमारी लाइफ में, हमारे दैनिक जीवन में। अगर ये नहीं होंगे तो हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? ये सुबह सुबह अपना जल्दी 4 बजे 3 बजे उठ उठ कर आगरा से, मथुरा से, सब्जी मंडी से, आड़तियों से कैसे दर दर ठोकरें खा खा के अपने जो है यहाँ पे लाते हैं सब्जी, और फिर ये दुनिया से कितना लड़, ऐसा नहीं कि लाए और बेच दिए। देखो बहुत परेशानियाँ इनको उठानी पड़ती हैं, और तब से ये जो है एक बस स्टैंड था जो कि खंडर पड़ा हुआ था, उसमें अस्थायी रूप से लग रहे थे, हम मानते हैं वो खंडर पड़ा था। शायद अब ये सरकार ने जो है ये खाली करा दिया है, शायद अब सरकार शायद इस पर कुछ बना रही है। देखो बना रही है, बहुत अच्छी बात है, ये छाता के डेवलपमेंट के लिए बहुत बढ़िया बात रहेगी, इसमें हम भी चाहेंगे, हम भी प्रशासन का सहयोग करेंगे। चेयरमैन साहब वो बात आपकी सही है कि जो भी ये बस स्टैंड बन रहेगा अच्छी बात है कि यहाँ पर रोड भी बसें आएंगी। अब मैं तो आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये जो बेरोजगार लोग हो गए हैं, लाखों परिवार इनकी वजह से सब्जी नहीं खा पाएंगे, तो उनके बारे में कोई व्यवस्था करने का क्या है? उनकी व्यवस्था के लिए आज हमने इनको एक जगह बताई है, और उन इन सबकी उसमें राजी भी है, रजामंदी है कि हम, और इन्होंने मुझे एक ज्ञापन भी दिया है कि साहब हम जो है चंद्रकुंड पे ही कहीं हमारे लिए जगह स्थान ढूंढी जाए, और हम चंद्रकुंड पर ही रहेंगे, और चंद्रकुंड पर एक ऐसी जगह भी है जहाँ पे बहुत बड़ा स्थान खाली पड़ा है, जहाँ पर ये हम इसको लगवा भी सकते हैं और ये स्थायी रूप से लग भी जाएगी। इन लोगों ने तो हड़ताल कर रखी है, काफ़ी लोग परेशान हैं, अगर इनको सब्जियां नहीं जाएंगी ये कब तक इनकी हड़ताल चलेगी, इसके बारे में कुछ कहेंगे? देखिए बिना हड़ताल की इनकी कोई सुनेगा भी नहीं,
मैं बताता हूँ आपको, अगर ये हड़ताल नहीं करेंगे और बैठ जाएंगे तो जन तो ऊपर प्रशासन क्या सोचेगा? ये हमको आपस का भाईचारा, हमको बताया कि भी परेशान, पर ऊपर प्रशासन को कौन बताएगा? इनकी हड़ताल बताएगी कि वहाँ के लोग, प्रशासन को बताएगी कि वहाँ के लोग परेशान हैं, उनके लिए कोई स्थायी रूप से जो है जगह देखी जाए जिससे जो है अपने छाता की भी रौनक बढ़े और इनको दर दर ठोकरें ना जाना खानी पड़े, इनके लिए कोई स्थायी रूप से करा जाए। और मेरे पास जो प्रस्ताव है मैं उस प्रस्ताव को लेकर अब डीएम पास, डीएम सर के पास जाऊंगा। मैं डीएम सर से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि इस प्रस्ताव को पास करें। एक बार इन्होंने जो अपना दिया है एप्लीकेशन उसके वो दिखाएं हमारे कैमरा पे। एक बार देख जूम कर दे, पकड़ लो पकड़ लो। ठीक है, इसी श्रृंखला में और भी सब्जी विक्रेता है उनसे जानते हैं। जी बताएं, ये कब तक आपकी हड़ताल चलेगी? सबसे पहले बात तो ये सर, हम किसी की जायदाद या जागीर तो मांग नहीं रहे, हम गरीब आदमी है। नगर पंचायत की एक जगह है सूरज कुंड पे, चंद कुंड पे, हम उसके लिए थोड़ी सी आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि यहाँ हमको जगह मिल जाए स्थायी रूप से, क्योंकि हम दर दर भटकते हुए बहुत काफ़ी अर्सा हो गया, कभी पुलिस वाले डंडे मार रहे हैं तो कभी कोई हटा रहा है, कभी कोई उठा रहा है। हम किसी की जमीन जायदाद नहीं ले रहे, हम तो सिर्फ ये है कि नगर पंचायत की ज़मीन है उस पर ही आपसे निवेदन कर रहे हैं कि उस पर ही हमारा थोड़ा सा जरिया बन जाए रोटी रोजी का, गरीब आदमी है हमारा। सब्जी विक्रेताओं की बात, और यहाँ पर कुछ आए हुए हैं सब्जी खरीदने वाले भी आए हैं जी, काफ़ी सब्जी खरीदने वाले हैं। आपको मैं कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ से वहाँ तक दिखाएं ये सब्जी के लिए कितने लोग भटक रहे हैं, परेशान हैं। आई जी, हाँ जी दिखा, अपने नाम बताएं। विष्णु यादव। आप यहाँ पर सब्जी खरीदने लिए के लिए आए हैं, यहाँ पर सब्जी वगैरह मिल रही है? भैया यहाँ कोई सब्जी ना मिल रही और ये परेशान है बेचारे, और कुछ लोग तो इनमें तो इतने दुखी और परेशान हैं कि जो सब्जी बिक जाते हैं जब भी अपने शाम को राशन पानी की व्यवस्था होती है, इनके लिए कोई उचित स्थान देने की कष्ट करें SDM साहब और सबसे सभी सम्मान